करोड़ों रुपए के जमीन घोटाले के आरोप से जूझ रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो दिन तक गायब रहने के बाद आखिरकार बुधवार को सामने आए। दरअसल ये जमीन घोटाला रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री का है, जिसमें फर्जी नाम पता के आधार पर सेना के जमीन की खरीद बिक्री की गई है। इसी 7 एकड़ के जमीन घोटाले में ईडी द्वारा छापेमारी में 36 लाख रुपए नगद और बीएमडब्ल्यू कार को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा हेमंत सोरेन पर 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाले का भी आरोप है, जिसकी जांच में ईडी को सोरेन के खिलाफ कई सबूत भी मिले हैं। झारखंड के इस बड़े खनन घोटाले में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा के घर से 8 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और हस्ताक्षर की हुई चेकबुक मिली थी। ईडी ने जब्त की हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और 33 चेक। ईडी को पंकज मिश्रा के घर से मिली थी मुख्यमंत्री की पासबुक और चेकबुक। वहीं इसी खनन घोटाले के मामले में जेएमएम के पूर्व कोषाध्यक्ष रवि केजरीवाल ने जांच एजेंसी को ये बयान भी दिया था कि उसकी मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने पंकज मिश्रा को संथाल परगना से पत्थर और रेत खनन से आने वाले धन को सीधे प्रेम प्रकाश को सौंपने के लिए कहा था। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश वही व्यक्ति है जिसके ठिकानों पर 24 अगस्त 2022 को झारखंड पुलिस की 2 AK-47 राइफल भी मिली थी। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर से एक खाली अलमारी में 2 AK-47 राइफल बरामद हुई, 60 कारतूस बरामद हुए। झारखंड को लूटने वाले सोरेन चाहे अब बचने की कितनी भी कोशिश कर लें, देश के कानून से बचेंगे नहीं, क्योंकि जो देश को लूट कर खाएगा वो हवालात में जाएगा।